दादी नानी के समय का ये नुस्खा बालों को सुपर फास्ट ग्रो करेगा। हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल प्रेजेंट ऑफ द अर्थ। पुराने समय के लोगों के बाल घने, काले और मजबूत इसलिए होते थे क्योंकि वो लोग नेचुरल चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, और आजकल हम लोग इतने केमिकल का यूज कर चुके हैं, हमारे बालों की क्वालिटी दिन पर दिन खराब होती जा रही है और या तो बाल झड़ रहे हैं। लेकिन आज का ये नुस्खा जो हमारी दादी नानी के टाइम का सीक्रेट है, बालों को लंबा, घना और मजबूत करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और यहाँ पर आज मैं एक मास्क प्रिपेयर करूंगी, जिसको प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ली है मुल्तानी मिट्टी। यहाँ पर मैंने मुल्तानी मिट्टी के कुछ टुकड़े लिए हैं। मुल्तानी मिट्टी लगाने से हमारे बालों की जड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है और इससे बालों को पोषण मिलता है और बाल मजबूत होते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हैं, बालों में बहुत ज़्यादा फ्रीज है, कंडीशनर का यूज़ करने के बाद भी आपके बाल रूखे बेजान रहते हैं, तो आप कंडीशनर को छोड़कर मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करना शुरू कर दीजिए। ये बालों में स्मूथनेस देता है और बालों को मुलायम और चमकदार बनाता है। और तो और आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है और स्कैल्प में ईचिंग होती है, खुजली होती है, तो मुल्तानी मिट्टी इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो मैंने मुल्तानी मिट्टी कुछ टुकड़े लिए थे जो नेचुरल है, और मैंने इसका पाउडर बना लिया था। तो 3 से 4 चम्मच आप मुल्तानी मिट्टी का पाउडर एक बाउल में ले लीजिए। इसके बाद आपको इसको मिक्स करने के लिए लेना है बटर मिल्क, यानी कि मट्ठा, जिसको कई लोग छाछ भी बोलते हैं। कोई मसाले वाला छाछ आपको यहाँ पर नहीं लेना है, प्लेन छाछ आप ले लीजिए। बटर मिल्क बालों को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाने की क्वालिटी रखता है। पुराने ज़माने में आप अपनी दादी नानी से पूछिएगा, वो सिर्फ बटर मिल्क से ही बाल धोते थे, क्योंकि इसमें वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं। ये परफेक्ट होता है, इसमें परफेक्ट मात्रा में हाइड्रेशन होता है, क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये बालों को नरिशमेंट देता है। इससे बाल धोने से बालों में नेचुरल शाइन आता है। इससे बालों की जड़ों में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि इससे बालों की जड़ें साफ सुथरी रहती हैं। तो थोड़ा सा बटर मिल्क यहाँ पर इसमें डाल दीजिए और इसको 1 घंटे के लिए भिगोकर साइड रख दीजिए। और लगाने से पहले आप अपने बालों में ऑयलिंग कर लें। जो भी तेल आप यूज़ करते हैं उसको लेकर बालों की जड़ों में अच्छे से लगाएं। मुल्तानी मिट्टी से बालों में थोड़ी सी रफनेस भी आ सकती है, इसलिए आप पहले बालों में ऑयल लगा लें, ताकि बालों की जड़ें जो हैं, बालों की जड़ों को अच्छे से पोषण मिल जाए। अगर आपको ज़्यादा ऑयल लगाना नहीं पसंद है, तो आप सर धोने से 1 घंटा पहले ऑयल ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है, बालों को पोषण मिलता है और बाल मजबूत होते हैं। तो ऑयल को अच्छे से जड़ों में लगा लिया था यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं ऑयलिंग कर ली है प्रॉपरली। इसके बाद यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट जो मैंने भिगोकर रखा था, 1 घंटा आप इसे जब भिगोकर रखेंगे तो ये मलाई जैसा हो जाएगा। अब इसको लेकर आप अपने बालों की जड़ों को अच्छे से कवर कर लें, बालों की जड़ों में इसको अच्छे से लेकर लगाएं, एंड इसके बाद अपनी लेंथ में भी लगा सकते हैं। पहले जड़ में लगाएं, फिर लेंथ को कवर करें। आराम आराम से पूरे बालों को अच्छे से कवर करें, और इस मुल्तानी मिट्टी मास्क को अच्छे से लगाने के बाद 1 घंटा आप जो है अपने बालों में रखें और इसे ड्राई होने दें, और ड्राई होने के बाद हेयर वॉश कर लें। ये मास्क आपको वंडरफुल रिजल्ट देगा। विद इन फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको दिखा देगा कि आपके बालों को ये सूट कर रहा है या नहीं, और कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। बच्चे, लड़कियां, वुमेन्स, मैन, सभी के लिए सुटेबल है। वीक में एक बार इसे जरूर ट्राई करें। बी हैप्पी एंड पॉजिटिव। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।